नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में जो है सैनिक के सीधे सिर में गोली लगने से जो है उसकी मौत हो गई है। वहीं जो है सैनिक के मरने से जो है पीछे वो अपनी पत्नी और एक छोटे से बच्चे को छोड़ गया है। तो कहां पर जो है ये पूरी खबर घटना सामने आई है आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना को। तो छुट्टी पर घर आया था जवान, बंदूक की नली कर रहा था साफ, गोली चली। हिमाचल के ऊना से सेना के जवान की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत कुंगडत में रहने वाला 30 वर्षीय गुलाब सिंह छुट्टी पर घर आया था। बुधवार को सुबह घर पर रखी लाइसेंसधारी पिस्तौल साफ कर रहा था। वहीं इसी दौरान पिस्तौल से गोली चल गई और सीधे सिर में लगने के कारण गुलाब सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सैनिक गुलाब सिंह पंजाब रेजिमेंट में सेवारत था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुलाब सिंह की कुछ वर्ष पहले शादी हुई थी, वहीं उसका एक बच्चा भी है। इस तरह पति की अचानक मौत से पत्नी का भी हौसला टूट गया है, वे बेहाल है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं छुट्टी पर घर आया था जवान। बताया जा रहा है कि करीब एक महीने की छुट्टी काटने अपने घर आए हुए गुलाब सिंह के साथ सुबह 7 बजे के करीब ये हादसा हो गया। परिवार के सदस्यों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ऊना भेजा है। पुलिस की ओर से मौके पर पहुंचकर तथ्य को खंगाल कर मामले की जाँच की जा रही है। तो यही थी अपडेट कि हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में जो है एक सैनिक बंदूक को साफ कर रहा था, तो बंदूक को साफ करते करते जो है ये गोली चल गई, जिससे जो है सैनिक के सिर पर बंदूक की गोली जो है जा टकराई है, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वो पीछे जो है अपनी पत्नी और एक बेटी को छोड़ गया है। तो यही थी अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।